इडली और डोसा तो आपने बहुत बारी खाया होगा, पर आज हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ इडली के बैटर से बहुत ही मज़ेदार, यूनिक, स्पाइसी, हेल्दी और मात्र एक चम्मच तेल में बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। फुल रेसिपी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। कीर्ति के ट्विश किचन में आप सभी का स्वागत है करते। चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार रेसिपी। गैस पे हम चढ़ाएंगे सबसे पहले एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे एक चम्मच तेल, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसमें दो ग्रेट करा हुआ आलू भी ऐड करके इन सभी को बढ़िया सा मिला देंगे। आप जब देखें कि ये बढ़िया सा मिल चुका है तो इसमें ऐड करें स्वाद अनुसार नमक। नमक हिसाब से डालें क्योंकि इडली के बैटर में भी नमक होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला, इसी से बढ़िया सा टेस्ट आएगा इस रेसिपी में। अब हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देंगे, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो रखेंगे। थोड़ी देर बाद हम ढक्कन खोल देंगे और पैन को गैस से नीचे उतार देंगे क्योंकि हमें ग्रेट करे हुए आलुओं को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम गैस पे एक और कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी। अब हम इसे कवर कर देंगे, इसमें भाप बनने देंगे। ये हमारा इडली का बैटर आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया से ये फ्लफ़ी हो गए हैं, हमें ऐसा ही चाहिए। इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और बहुत ही ज़रा सा नमक, क्योंकि नमक हमने मसालों में भी ऐड करा हुआ है। इन सभी को हम बढ़िया सा मिला देंगे। अब हम लेंगे 2 कटोरी, कटोरियों में 2-2 बूंद के करीब हम ऑयल डाल देंगे और इसे ब्रश से या फिर हाथों से बढ़िया सा कटोरी में फैला देंगे ताकि इसमें बैटर चिपके ना। इसमें हम 2 चम्मच के करीब इडली का बैटर डालेंगे और उसके ऊपर से जो हमने स्टफिंग तैयार किया हुआ है आलुओं का, इसे भी हम ऐसे डाल देंगे और चम्मच से इसे चारों तरफ फैला देंगे। स्टफिंग बढ़िया सा फैल जाए तो इसके ऊपर हम 2-2 चम्मच इडली का बैटर और डाल देंगे और इसे भी बढ़िया सा फैला देंगे। आप देख रहे हैं हमने इसे बहुत ही बढ़िया सा फैला दिया है, स्टफिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। इधर कढ़ाई में भी बढ़िया सा स्टीम बन चुका है। अब हम ढक्कन हटा देंगे और इसमें एक स्टैंड डाल देंगे और स्टैंड के ऊपर हम 3 कटोरियों को इस तरीके से सेट कर देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए हम कढ़ाई को कवर कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इन्हें पकाते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं चाकू बहुत ही क्लीन निकला, यानी कि ये पक के बिल्कुल तैयार है। अब हम एक एक कटोरी को कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब आप देखें कि ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं तो आप क्या करें कि एक चाकू ले लें और चाकू से कटोरी के चारों किनारे को इस तरीके से छुड़ा दें और फिर पेंदी वाले भाग को हम चम्मच से इस तरीके से निकाल देंगे और इसे वापस से हाथों पे पलट लेंगे। ये बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। आप फिर इसे सॉस के साथ या फिर मेयोनीज के साथ डेकोरेट करके सर्व करें। मात्र 1 चम्मच तेल में बना ये चटपटा और मज़ेदार नाश्ता एक बार जरूर बनाएं और सबको खिलाएं। मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।